हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स में। एंड अभी हम करंट अफेयर देखने वाले हैं आज के। ओके, तो पहला इसमें से कि एमआरएनए वैक्सीन विकसित किया गया है भारत में पहली बार और स्वदेशी रूप में, ठीक है। तो इसमें दो संस्थाएं शामिल थी, इसमें से ध्यान रखिएगा, एक तो सीएसआईआर है और एक है सीसीएमबी, ठीक है। तो सीसीएमबी का ये नाम है पूरा, आप देख लीजिए, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ठीक है। और इसके अलावा कहा जा रहा है, देखिए ये वैक्सीन जो है वो सिद्धांत के प्रमाण पर आधारित है अभी फ़िलहाल, यानी कि कहा जा रहा है कि ये अगर वैक्सीन सही ढंग से काम करेगा तो इस तरह के परिणाम आएंगे, ठीक है। सिद्धांत के परिणाम ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है। और आगे कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल देखिए चूहों पे परीक्षण चल रहा था, उनके अंदर सामान्य नतीजे देखे गए हैं, यानी कि ठीक ठाक नतीजे थे। और इसके अलावा देखिए मानव अभी परीक्षण होना बाकी है, ठीक है। अभी इसका अनुमोदन किया जाएगा, फिर जब ये पूरी तरह से पास हो जाएगा उसके बाद इसको मानव के ऊपर परीक्षण किया जाएगा, ठीक है, और बाज़ार में भी तभी उपलब्ध होगा। और एमआरएनए क्या होता है, एक्चुअली ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कोशिकाओं पर टारगेट किया जाता है, ठीक है, स्पेशल कोशिकाओं पर टारगेट किया जाता है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शुरू करता है, ठीक है। यही जो प्रोटीन होगा एमआरएनए से रिलेटेड, वही प्रतिरक्षा विकसित करेगा। देखिए खासकर इसको लाया गया था जब कोरोना काल में बहुत सारी मौतें हुई, उसके बाद देखा गया कि ये जो कोविड है ये इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी हो सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को विकसित किया जा रहा है। और अभी भी इसके बहुत सारे परिणाम आने बाकी हैं। एंड मानव को देखिए इससे सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है फिलहाल, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें विकसित होंगी और फिर मानव तक पहुंचाई जाएंगी, आगे देखते हैं। इसमें अब दूसरा न्यूज है कि ग्रीष्म लहर के बारे में, ठीक है। तो ये जो वही है लू है जो हमारे यहाँ चलता रहता है अक्सर, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ग्रीष्म लहर जो है वो असामान्य रूप में अभी उच्च तापमान की अवधि है, ठीक है। बहुत ही तेज़ी से अगर आप बाहर जाएंगे देखेंगे जो हीट वेव जिसको कहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। खासकर कि आप उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं, अगर आप दिल्ली से लेके बिहार तक के इलाके में, ठीक है, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यूपी और बिहार हो गया, यहाँ तक आपको ग्रीष्म लहर जो है वो बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। तो कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में ग्रीष्मकाल के दौरान यह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम यही इलाका है आपका, पंजाब से लेके आगे बढ़ते जाइए आप उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। एंड उसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि यह वायु के तापमान की स्थिति है, ठीक है, जिसमें जिसके संपर्क में आना मानव शरीर के लिए घातक हो सकता है, ठीक है। तो बाहर आप जा रहे हैं तो लू से बच के रहिए, और ये हीट वेव जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि ग्रीष्म लहर को वर्गीकृत भी किया गया है। एंड फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं, ठीक है, यही यूपी बिहार से लेकर पंजाब तक का इलाका जो है, वहाँ पर जो तापमान है कम से कम 40 डिग्री के ऊपर हो और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री के ऊपर हो तो माना जाएगा कि वहाँ ग्रीष्म लहर यानी हीट वेव है, ठीक है। और सामान्य तापमान में कम से कम 5 से 6% की वृद्धि इंगित करता हो तो इसको माना जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 के आसपास रहा है, अचानक से एक दो दिन के अंदर 5-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो माना जाता है कि हीट वेव आ गया है, ठीक है। भीषण गर्मी का आसन्न कारण वर्षा युक्त पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय तूफान की अनुपस्थिति भी है, ठीक है। यानी कि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो ये एक हल्की ठंडी हवाएं होती हैं, ओके, तो ये भूमध्य सागर की तरफ से आती हैं और वर्षा भी लाती हैं, तो इनमें नमी देखा जाता है, ठीक है। तो इस ये नमी ना रहने के कारण हीट वेव उत्पन्न होता है अधिक तेजी से, ठीक है। आगे देखिए, जैविक कचरे से चलने वाला पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, तो ये चार्जिंग स्टेशन है, अब इसको प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। एंड ये होगा मुंबई के केशवराव खड़े मार्ग पर, ठीक है। एंड 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है अभी यहाँ पर, तो इसी से बनाया जाएगा अब एक चार्जिंग पॉइंट जहाँ पर लोग अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर जाएंगे और वहाँ पे अपनी गाड़ियों को चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये पहले ही ये जो बिजली संयंत्र था
तो ये पहले ही स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा उत्पन्न करके दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी बना दिया गया है। अब देखिए इंडिया स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बारे में, भारत में तो वैसे बहुत सारे पहले से भी ये सेंटर बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी ये फ़िलहाल UAE के साथ हस्ताक्षर किया गया है एक MOU पे, और इसका विकास किया जाएगा वाराणसी में। एंड यहाँ पे देखिए जो भी लोग होंगे उनको स्किल दिया जाएगा बंदरगाह संचालन लॉजिस्टिक के संबंध में, ठीक है, और इनको रोज़गार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी UAE में, ठीक है, UAE में इनको रोज़गार भी प्रदान करने का प्लान रखा गया है। आगे देख लेते हैं, आगे है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो ये रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे बताया गया है जलवायु परिवर्तन के वजह से खाद्य प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और 2030 तक का सर्वे है। एंड कहा जा रहा है कि भारत को जोखिम है 23% तक, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा जोखिम है, 23% का बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत के संबंध में क्या कह रहा था ये, तो 2030 तक कह रहा है कि अगर ऐसी प्रकार से चलता रहा तो भारत का जो खाद्य उत्पादन है वो गिर जाएगा 16% तक, ठीक है, 16% तक गिरने की संभावना है उसमें। एंड इसके अलावा कहा जा रहा है कि भूख के जोखिम वाले लोगों को 23% तक बढ़ा सकता है। देखिए खाद्य उत्पादन तो मात्र 16% गिरेगा, लेकिन जो जोखिम है वो 23% लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है, यानी कि उत्पादन में मात्र 16% की कमी प्रभावित कर सकती है 23% लोगों को। तो आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं, खाद्य उत्पादन सूचकांक में खाद्य फसलों को शामिल किया गया है, ठीक है, जिन्हें खाने योग्य माना जाता है। अब इसमें से देखिए चाय और कॉफ़ी को हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा चाय और कॉफ़ी खाने योग्य नहीं माना जाता है। और अब इसके अलावा कह रहा है कि खाद्य होने के बावजूद इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है, चाय और कॉफ़ी होता है, जैसे आप बैठ के मोमोज खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में कहा जाता है कि पोषक तत्व नहीं पाए जाते। अब इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2023 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाने की आशंका है, और जलवायु परिवर्तन को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो 90 मिलियन लोग यानी कि 9 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, 9 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं इस प्रकार की फेनोमेनन से, ठीक है। एंड इसके अलावा वैश्विक स्तर पे भी कुछ जानकारियां शेयर किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन 2010 के स्तर से लगभग 10% बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि खाद्य उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे विकासशील और विकसित देशों में बहुत सारा अंतर भी देखने को मिलेगा। जनसंख्या और आय में अनुमानित वृद्धि के कारण विकसित देशों की तुलना विकासशील देशों विशेष रूप से अफ्रीका में उत्पादन और मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। एंड उच्च आय वाले देशों में देश अधिक फल और सब्जियों, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि फल और सब्जी, इसके अलावा जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं यानी कि जो पैकेज्ड पैकेट में आते हैं प्रसंस्कृत करके, यानी कि आप अब तो बहुत सारा आप लोग तो बहुत सारा प्रोडक्ट देखते ही होंगे मार्केट में, तो उस प्रकार के जो खाद्य आहार मूल्य हैं उनमें काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है विकसित देशों में खासकर। और 2030 तक दक्षिण एशिया और पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका में मांस का उत्पादन 2 गुना और 2050 तक 3 गुना होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, ठीक है, तो मांस का उत्पादन बढ़ेगा। देखिए ज़्यादातर लोग भारत में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग मानना है कि अगर आप मांस खा रहे हैं यानी आप प्रोटीन ले रहे हैं, ओके, तो बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि चलो आज प्रोटीन लेना है तो कुछ आज मांसाहारी खा लेते हैं, इस प्रकार की धारणाएँ इन सब चीज़ों में उत्पादन में वृद्धि ला सकती हैं। इस वृद्धि के बावजूद भी विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति खपत का स्तर विकसित देशों की तुलना में आधे से भी कम रहेगा। ध्यान रखिएगा बहुत पहले एक सर्वे है, कम से कम 10 साल पहले का सर्वे बता रहा हूँ आपको, कहा गया था कि भारत के लोग जो होते हैं वो अमेरिका के लोगों की तुलना में 1/3 खाना खाते हैं, ठीक है,
यानी कि अमेरिका में जो व्यक्ति रह रहा है वो करीब हमसे 3 गुना ज़्यादा खाना खाता है। तो यही सब चीज़ें कही जा रही हैं कि हम बहुत ही भोजन जो है, भोजन के स्तर पर हम बहुत ही कम फूड लेते हैं, और 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में 2 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं, राजीव कुमार जो हैं वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त तो होंगे अगले, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, एंड अनुच्छेद 324(2) में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और फिलहाल राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं साथ में। तो अभी ये इनमें से निकल के इनको बनाया जा रहा है, और ये जगह ले लेंगे सुशील चंद्रा, जो फिलहाल आज तक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी बारे में बताया जा रहा है कि 2020 में खरीफ सीजन में लाया गया था इसको सुधार के लिए, एंड इसे 2.0 कहा गया था। कोशिश किया गया था कि खरीफ फसल से सभी किसानों के लिए नामांकन जो है 100% स्वैच्छिक कर दिया गया था। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि गैर सिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए बीमा की किस्त की दरों में कमी लाने के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 30% बढ़ाई गई थी, और सिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था। अभी ध्यान रखिए कि जोखिम को कम करना है और कृषि के क्षेत्र में। इसके अलावा जो बीमा कंपनियां हैं, कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा लेके भाग जाती हैं वो, तो अभी ये जो प्रीमियम का राशि होगा टोटल, जैसे मान लीजिए बहुत 100 किसान हैं मिलके 100 रुपये प्रीमियम भरते हैं, तो 0.5 यानी कि 5 पैसा, ठीक है, 0.5 यानी 5 पैसा वो सूचना शिक्षा और संचार के क्षेत्र में खर्च करेंगे, ठीक। आगे देख लीजिए, तमिलनाडु में उत्खनन में पता चला है कि लोहे का प्रयोग भारत में 4200 साल पहले हुआ था, ठीक है, यानी कि आज से 4200 साल पहले, और अगर BC देखें, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पे ये 2200 साल होगा, 2000 चल ही रहा है, तो इस हिसाब से 4200 पुराना माना जाए। और ये उत्खनन जो हुआ है वो है हमारा तमिलनाडु के कृष्णागिरी के पास मैला दुमपराई, यहाँ पे ये उत्खनन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, इसके अलावा इसके पहले भी कुछ साक्ष्य मिले थे जिनके आधार पर ये पता लगाया गया था कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उसके अलावा अब ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं दिखता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं दिखता, और हड़प्पा सभ्यता हम मानते हैं कि 2500 BC से पहले का था, ठीक है, यानी कि आज से करीब 4500 साल पहले का हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कभी भी पूछे तो आपको कहना है कि लोहे का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं था प्रचलित था। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, एंड थोड़ा सा और है कि काले और लाल रंग के बर्तनों को भी प्रयोग किया गया था लौह युग से थोड़ा सा पहले। तो यहाँ माना जा रहा है कि लौह के जो साक्ष्य हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आना प्रारंभ हो गए थे। बस यही था आज के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू।